ब्रेकिंग न्यूज आई ए का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर सी स्टूडेंट सबसे पहले जान लेते इस वीडियो में कौन से टॉपिक पे बात करेंगे स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सी स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे आई ए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताएंगे क्या इसमें सी फाउंडेशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट कर सकते हैं या फाइनल कर सकते हैं पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे कितने टाइप का स्कॉलरशिप आई प्रोवाइड करता है भी इसी वीडियो में बताएंगे स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है ये भी इसी वीडियो में बताएंगे सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं इसके लिए आपको आई सी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना पड़ेगा जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ऊपर में आपको स्टूडेंट वाला सेक्शन नजर आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे साइट में आपको बी ओ नॉलेज पोर्टल शो करेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है इस बार बी ओ नॉलेज पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है यहाँ पे आपको स्टूडेंट जर्नल शो कर रहा आपको इस पे क्लिक कर देना है अभी का जो रिसेंट स्टूडेंट जर्नल है दिसंबर 22 का उसको आपको पेज नंबर सिक्स पे देखना है यहाँ पे अनाउंसमेंट है स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड सीए स्टूडेंट के लिए 100 करोड़ का स्कॉलरशिप कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा सीए स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कितने टाइप का आई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ये भी इसी वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना अदरवाइज आपके मन में डाउट आ सकता है और लास्ट में ये भी बता देंगे कैसे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अप्लाई करना है देखो आई सी आई चार टाइप का स्कॉलरशिप सीए स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करता है फर्स्ट स्कॉलरशिप है नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट सेकेंड टाइप का स्कॉलरशिप है नीड बेस्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट्स तीसरे टाइप का स्कॉलरशिप है मेरिट कम नीड बेस्ट स्कॉलरशिप और फोर्थ टाइप का स्कॉलरशिप है मेरिट स्कॉलरशिप अब सबके बारे में पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेंगे नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में नाम से ही पता चलता है ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए जो वीकर स्टूडेंट है इकोनॉमिकली उन स्टूडेंट के लिए है स्कॉलरशिप अमाउंट पंद्रह पर मंथ दिया जाएगा इसके लिए कौन से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं चाहे वो फाउंडेशन रूट से हो या डायरेक्ट इंट्री रूट से वो लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स का इनकम तीन लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मैं ये पीडीएफ को शेयर कर दूंगा चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हो पहले वाले स्कॉलरशिप के लिए क्या इसमें फाउंडेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाओगे इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप का स्कॉलरशिप से रिलेटेड नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में भी 1500 पर मंथ दिया जाएगा इसमें कौन से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ में उनके पेरेंट्स का इनकम नॉट मोर देन थ्री लाख पर एनाम होना चाहिए सी ए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास करने के बाद इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो सेकेंड वाले में आपको बोथ ग्रुप पास करने के बाद सी ए इंटरमीडिएट से सी ए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करना होगा फाइनल में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे इसके बाद ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अब बात करते हैं तीसरे टाइप के स्कॉलरशिप से रिलेटेड मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इसमें बात किया जाए स्कॉलरशिप अमाउंट का तो दो हजार पर मंथ मिलता है इसमें कौन से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रैंक होल्डर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अदर देन दोरिट स्कॉलरशिप और स्टूडेंट मस्ट भी रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन और इसमें आपको पेरेंट्स का एनुअल इनकम तीन लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉट मोर देन थ्री लाख उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अब बात कर लेते आखिरी स्कॉरशिप से रिलेटेड मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में पूरा डिटेल में स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बात किया जाए तो दो पर मंथ और इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं रैंक होल्डर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन देखो थर्ड वाले में था रैंक होल्डर के साथ साथ आपको पेरेंट्स का एनुअल इनकम भी आपको तीन लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन मेरिट स्कॉलरशिप में ऐसा पेरेंट्स का एनुअल इनकम के बारे में बात नहीं किया हुआ जो लोग भी रैंक होल्डर है सीधा आप लोग अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए कोई भी स्कॉलरशिप आई सी प्रोवाइड नहीं करता बट फाउंडेशन स्टूडेंट को भी जानना जरूरी था जब वो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इसके बाद वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अब बात कर लेते कैसे आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे एस पोर्टल पे लॉग करके आप लोग कभी भी किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं बट आप जब इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करोगे या आप क्या बोलते सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको एस पोर्टल पे स्कॉलरशिप अप्लाई करने का फॉर्म आ जाएगा तो आप वहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो इसमें कुछ प्रूफ लगता है पेरेंट्स का एनुअल इनकम का और साथ में कैंसिल चेक और सीए का मेंबरशिप नंबर पहले सीए अप्रूव करेंगे इसके बाद ही अप्रूव करेगा आपके स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आने इस पर सेल्फ सर्विस पोर्टल शो कर रहा है इस आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसके बाद जो भी आपका लॉग डिटेल है इससे आप लोग लॉग कर लोगे जैसे ही लॉग करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा और स्टूडेंट फंक्शन के नीचे आपको शो करेगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपके मन में कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं रिक्वेस्ट करेंगे सारे सीए स्टूडेंट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सीए के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में या सीए स्टूडेंट के साथ ताकि उन्हें स्टूडेंट का हेल्प हो सके और लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए ताकि आपको सीए रिलेटेड सबसे पहले अपडेट मिल सके स्कॉलरशिप से रिलेटेड पी मैं चार्टेड स्टडीज का टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जो भी स्टूडेंट अनडमी से क्लास परचेज करना चाहते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप टू का तो संकल्प बैचेज स्टार्ट हो चुका है मई 23 के लिए 1 दिसंबर 2022 से बाईस यहाँ पे आप लोग लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो इसमें सबसे अच्छा बात यह है की एक लेक्चर को आप कितना बार भी देख सकते हो अनलिमिटेड व्यूज व्यूजेडमी प्रोवाइड करता है आप लोग अन एकेडमी का एक सब्सक्रिप्शन इंटरमीडिएट का तो सी ए इंटरमीडिएट का जितना सारा बैचे होगा उस बैचेज को आप लोग देख सकते हो अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अन अकेमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा इसका जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो आप इजली ले सकते हो और आपको प्राइस ज्यादा लग रहा होगा तो आप चार्ट स्टिस्टेंट कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आपको एडिशनल दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग सीएफ फाउंडेशन का मे ट्वेंटी थ्री का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो या इंटरमीडिएट या सी ए फाइनल का तो सारे सब्सक्रिप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मे ट्वेंटी थ्री का और मैं डायरेक्ट संकल्प बैचे का भी सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और हाँ आप लोग अकेटेडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो जरूर कोड यूज करना चार्टेड स्टडीज एंड कूपन कोड ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना